हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक और अच्छी स्टोरी और अच्छी कॉमिक्स में मैं आपका स्वागत करता हूं, प्रशांत कुमार। आइए देखते हैं इसकी स्टोरी क्या है। सरकंडा जम्बू सिरिंज चांटा जम्बू। तो तुम्हारा नाम, वास्तविक नाम सरकंडा है? हाँ, मेरा नाम सरकंडा। देखो सरकंडा, मेरी तुमसे कोई शत्रुता नहीं है, बल्कि मैंने तो तुम्हारे शरीर के अंगों को बड़ी मुश्किल से तलाश किया। मुझे देख, मैं हूँ चांटा, जो तेरे हाथ पाँवों के चक्कर में पता नहीं किस किस जगह में चांटे सहता रहा। तो ये इस कॉमिक्स को लिखने वाले हैं वेद प्रकाश शर्मा, संपादन प्रमिला जैन जी का है। काफ़ी बड़े बड़े ये सभी नाम हैं। साम्रा ग्रह नष्ट हो जाने पर मुझे देख, मैं हूँ चांटा, जो तेरे हाथ पाँव के चक्कर में पता नहीं किस किस ग्रह पे चांटे सहता रहा। साम्रा ग्रह नष्ट हो जाने पर तेरा सिर काबू ग्रह में आ गिरा। तुझे मालूम है, सब मालूम है। ये भी मालूम है कि तुम मेरे नाभि चक्र से अमृत पाना चाहते हो। उस अमृत से पृथ्वी पर कैंसर का इलाज हो जाएगा। पृथ्वी के मानव पर तेरा बहुत उपकार होगा सरकंडा। वहाँ इस लाइलाज रोग की कोई दवा नहीं। ठीक है जम्बो, अगर तुझे पृथ्वी के मानवों का भला करना है तो मुझे पृथ्वी पर ले चल। मैं यह देखना चाहता हूँ, कहीं धोखे से मेरा अमृत तो हासिल नहीं करना चाहता, जिसे पीकर तू भी मेरी तरह ताकतवर और अमर बन जाएगा। अगर तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं तुझे कैंसर के अस्पतालों में ले जाऊँगा। मुझे तो सुनकर ही आश्चर्य है कि पृथ्वी ग्रह में लोग बीमारियों से भी मरते हैं। हमारे ग्रह पर तो आयु लिखी होती थी, आयु पूरी करते ही हमारा मानव मर जाता था। बस केवल मैं अमर था और इसलिए मैं वहाँ का बादशाह था। चांटा, तुम भी तैयार हो जाओ, हम पृथ्वी ग्रह के लिए रवाना होंगे। पृथ्वी पर बंटी को यह समाचार मिला, उसने सैटेलाइट टीवी से जम्बू से संपर्क बनाया। यह खबर बड़ी सनसनीखेज है। साथ में सरकंडा और चांटा भी पृथ्वी पर आ रहे हैं। सरकंडा के नाभि चक्र के अमृत से अब कैंसर का इलाज संभव हो सकेगा। कहीं सरकंडा ने पृथ्वी पर कोई उत्पात मचा डाला तो उसकी रोकथाम करना मेरा काम है। वैसे भी यह रिस्क तो मुझे लेना पड़ेगा। फिक्र की बात यह है कि आपके वह दुश्मन चौकन्ने हो जाएंगे जिन्होंने आपका अंतरिक्ष में अपहरण कर लिया था। अच्छा है, उन्हें भी सबक सिखाने का अच्छा मौका मिलेगा। कुछ दिन बाद हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने ऐसा यान तैयार कर लिया है जो हमें पृथ्वी पर ले जाएगा। उस विमान में तुम्हारे लिए विशेष कक्ष बनाया गया है जहाँ से तुम हर तरफ देख सकोगे। और चांटा, तुम यान की सुपर कंट्रोल सीट पर रहोगे जहाँ से तुम ज़रूरत पड़ने पर बाहर भी निकल सकोगे। जम्बू ने विमान के पास ले आया, इसकी सारी कार्य प्रणाली समझ लो। निश्चित समय पर यान की उल्टी गिनती शुरू हो गई। 100, 99, 98, 50, 40, 10, 0, जूम। यान अंतरिक्ष में आ गया। उधर जी टीवी ने यह समाचार पूरे विश्व में फैला दिया। यह जम्बू टीवी स्टेशन आज का प्रमुख समाचार। उधर अमेरिकन स्पेस सीक्रेट एजेंसी में खलबली मच गई। मैं क्लार्क दावे के साथ कह सकता हूँ कि यदि जम्बू इस विचित्र प्लैनेट सरकंडा के साथ पृथ्वी पर उतर आया तो सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका को होगा। मैंने उसे अंतरिक्ष में फेंक दिया था ताकि वह कभी वापस न लौटे, और यह हमारी एक काउंसिल की योजना से हुआ। जम्बू हम सबसे गिन कर बदला लेगा। उसके अलावा सरकंडा नामक उपलब्धि भी उसके पास है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी नाभि में अमृत है। इस अमृत पर भी केवल और केवल अमेरिका का स्वामित्व होना चाहिए, वरना भारत हमें धूल चटा देगा। आज हमारी शिक्षा पद्धति सर्वोच्च है। हम लाखों करोड़ों डॉलर इस चिकित्सा से कमाते हैं। भले ही मरीज हमारे यहाँ मर जाते हैं, किंतु हम चाहे जहर का इंजेक्शन क्यों न लगा दें, मरीज मरना भी हमारे अस्पतालों में चाहता है। इसमें वह अपनी शान समझता है।
भारत से बहुत लोग अमेरिका में अस्पतालों में लाइलाज होकर मरने आ जाते हैं। इनमें सबसे अधिक संख्या कैंसर के मरीजों की होती है। सरकंडा के नाभि अमृत के बाद तो सारे विश्व को के मरीज भारत का रुख करेंगे और हमारी चिकित्सा प्रणाली ठप्प होकर रह जाएगी। और हम आपके तर्कों से सहमत हैं मिस्टर क्लार्क, परंतु क्या आपके पास इस समस्या का कोई हल है? या तो सरकंडा हमारी प्रॉपर्टी होगा या मारा जाएगा, और इसके लिए हम अंतरिक्ष में ही जम्बू के यान पर हमला बोल देंगे। जम्बू आने से पहले ही सरकंडा हमारे कब्जे में होगा। इस ऑपरेशन में जम्बू को हर हालत में मार डाला जाए, और यह काम करेगा हमारी स्पेस सुपर स्टेशन एक्स। अंतरिक्ष में एक्स सुपर स्टेशन स्वचालित था। स्टेशन एक्स के चीफ ब्रूट को सूचना पहुंच गई। ओके, हम उसको किसी भी कीमत पर रोकेंगे। स्टेशन एक्स कंट्रोल बी अलर्ट, हमें तुरंत एक ऑपरेशन शुरू करना है। तमाम सैटेलाइट्स चैनल ऑन करके चेक करो कि जम्बू का यान किस स्थान पर सफ़र कर रहा है। कुछ समय बाद, हेलो स्टेशन एक्स सैटेलाइट कंट्रोल, यान की स्थिति का पता चल गया है, नोट करो। गो ऑन एंड अटैक फ्रॉम ट्रैक नंबर 3। ट्रैक 3 का दाहना खुल गया और जूं 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 है, यह विमान हमारी तरफ आ रहा है। और यह भी, चार विमान हमें घेरने की कोशिश कर रहे हैं देवता। इन चारों की रेडियो फ्रीक्वेंसी चेक करो और रेडियो फोन मिलाओ। फ्रीक्वेंसी चारों की ओर एक ही फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब चारों का नियंत्रण एक जगह से हो रहा है। फ्रीक्वेंसी मिलते ही जम्बू ने चेतावनी दी। तुम कौन हो, अपना परिचय दो। अगर तुमने उत्तर नहीं दिया तो हम चारों विमानों को नष्ट कर देंगे। अटैक, मिसाइल तोपे खोल दो, और इससे पहले कि यह विमान हमारे निकट आए इन्हें नष्ट कर दो। अब जरा इन्हें मजा चखाता हूँ, मिसाइल तोपों का मुंह खोल कर। बड़ाम बड़ाम बड़ाम। शीशे की पारदर्शी खिड़की से सरकंडा जंग का नज़ारा देख रहा था। ये बेवकूफ़ चांटा मिसाइलें दाग रहा है, और मिसाइलें विमानों तक पहुंचने से पहले ही फट जाती हैं। जंबो शीघ्र ही कंट्रोल रूम में पहुंच गया। हमारी मिसाइलें इन्हें नष्ट क्यों नहीं कर रही हैं देवता? जब हमारी मिसाइल लक्ष्य के करीब होती है तो उनकी मिसाइल हमारी मिसाइल से टकरा जाती है और हवा में ही फट जाती है। तो ये विमान तेजी से हमारे करीब आते जाते हैं। पिंक पिंक पिंक, यह सरकंडा टीवी चैनल क्या कर रहा है? ऑन करो। तुम लोग बेकार परेशान हो रहे हो, पहले ये देख लो कि इनका इरादा क्या है। क्या पता दोस्ती करने आ रहे हो, और अगर दुश्मन हुए तो मिसाइल की जगह तोप से मुझे दागना, फिर देखना क्या अंजाम होता है। तुम क्या करोगे? मैं इनकी मिसाइल फोड़ता हूँ, इनके विमान की दीवार तोड़ता अंदर जा घुसूंगा, उसके बाद विमान के टुकड़े टुकड़े करके बाहर आ जाऊंगा। कुछ देर बाद, ओह रेडियो फोन पर इस फ्रिक्वेंसी की कॉल है। कुछ देर बाद, पिंक 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 पिंक, मिस्टर जम्बू से बातें करनी है। यह तो मुझे जानते हैं, मैं जम्बू हूँ, तुम कौन हो? मैं स्टेशन एक्स का चीफ ब्रूट हूँ, और तुम्हें अंतरिक्ष नियमों का उल्लंघन करने के अपराध में गिरफ्तार करता हूँ। और तुमने अपनी ओर से अकारण हम पर हमला किया है, यह सबसे भयानक अपराध है, कोई खतरनाक साजिश है। सुनो एक्स वाई जेड के चीफ, हमने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया, और नहीं हम ऐसे गैरों के नियम पाबंद हैं। अपना रास्ता अलग करो, वरना हमसे टकराने का अंजाम अच्छा नहीं होगा। बड़ाम बड़ाम, चारों विमानों ने एक साथ जम्मू के विमान पर हमला कर लिया। देवता, ये लोग हमारे यान की धातु को किसी खतरनाक किरण द्वारा पिघलाने की कोशिश कर रहे हैं। यान का तापक्रम बढ़ रहा है, मेरे ख्याल से अब इन पर अधिक देर तक रहम करना उचित नहीं। चांटा, मैं और सरकंडा मिसाइल दागने वाली मशीन से बाहर निकलेंगे, तुम हमें ऑपरेट करना।
हमारे शरीरों के आकार के लिए तुम उन यंत्रों को छोटा बड़ा कर सकते हो। कमान सरकंडा, आप तुम्हारा कमाल देखना है। जंबू और सरकंडा मिसाइल दागने वाली तोपें पहुंच गए। जय बजरंग बली की। साए सू खड़ाक सर, धातु कैसे पिघलाई जाती है इन्हें मैं बताता हूँ। देख मेरे पैरों का कमाल। धातु कैसे तोड़ी जाती है यह बताएगा पहाड़ों को तोड़कर खाने वाला सरकंडा। ठक। यान में सुराख होते ही जंबू अंदर समा गया। कर हो गया ना छेद, अब सिर की टक्कर से इसे चौड़ा करता हूँ। ठक। इधर स्टेशन एक्स पर है आश्चर्यजनक, उसने घूंसों से विमान को तोड़फोड़ डाला। ठक ठक ठक। और यह जंबू, उसने विमान में प्रवेश पा लिया। रेटा टा 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 भीषिम। अब इस विमान से दूसरे विमान को टकराता हूँ। अब जरा मैं इस जान की चमकीली धातु का स्वाद भी चख लूँ। लोग फौलाद के लोहे को तरह तरह के माध्यम से खाते हैं, सरकंडा ऐसे ही हजम करता है। उसने विमान की धातु को ही खाना शुरू कर दिया है। विमान के अंदर रिटा टा 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 सुम। अबे क्यों मच्छर भगा रहे हो, आओ मैं अब तुम्हें खाता हूँ, तुम्हें भी अब खाता हूँ। किरच किरच साए साए। चल बचे खुचे विमान, अब मुझे दूसरे विमान तक पहुंचा दे। जब्बू ने दोनों विमानों को टकरा दिया। बड़ाम बड़ाम। सरकंडा ने कूद लगाई और दूसरे विमान पर लटक गया। कड़ाक, अब इसका भी स्वाद चखता हूँ। जम्बू और सरकंडा वापस अपने यान पहुंच गया। मेरा अनुमान है कि वह दोबारा हम पर हमला नहीं करेगा। ओह नो, हमारे चारों विमान समाप्त हो गए। रेडियो फ्रीक्वेंसी से क्या तुमने पता लगाया ली कि स्टेशन एक्स कहाँ है? यस सर। तो यान तेजी से उस दिशा में ले चलो। यह तो हमारी तरफ भी बढ़ रहा है, इसका मतलब कि हमारे स्टेशन पर अटैक करना चाहता है। पिंक 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 पिंक। देख देखूं रेडियो फोन पर क्या संदेश है। हेलो, मैं जम्बू बोल रहा हूँ, मैं शांति वार्ता के लिए आ रहा हूँ। स्टेशन में हमें प्रवेश करने के लिए मार्ग दिया जाए। जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। हम तैयार हैं, तुम स्टेशन के नंबर 2 मार्ग से अंदर आ सकते हो। जैसे ही यान 2 नंबर ट्रैक पर रुको और ये लोग नीचे उतर जाए, विमान को क्रैश कर डालो। ओके चीफ। उसके बाद ये स्टेशन एक्स में कैद कर लिए जाएंगे। जंबो एक रोबोट है, उस पर धातु पिघलाने वाली गनों का प्रयोग किया जाए। सरकंडा को जीवित पकड़ने की कोशिश की जाए, और यदि सरकंडा भी हमारे लिए विपत्ति बनता है तो उसे भी किरणों से पिघला दिया जाए। हम स्टेशन एक्स के पास आ गए हैं। इन लोगों ने ट्रैक नंबर 2 पर सारा जाल बिछाया होगा। उन्हें अब हमारी शक्ति का पता चल गया होगा। इसकी तैयारी परफेक्ट ही होगी। ट्रैक 2 के अलावा सब मार्ग ब्लॉक होंगे, लेकिन हम आज इनके छक्के छुड़ा लाएंगे। चाटा, स्टेशन एक्स के पेंदे में ले चलो। विमान को नीचे ड्राइव करते हुए इस तरह सीधा कर दो कि उसका नोक स्टेशन के पेंदे की तरफ हो जाए। अभी लीजिए जूम। चीफ, वह ट्रैक 2 से अंदर जाने के बजाय नीचे गोता लगा गया। टीवी स्क्रीन पर जम्मू का यान दिख रहा था। चीफ है या क्या, इसका अगर भाग तो पेंदे से चुंबक की तरह ही चिपक गया यान में। अब इसकी शायद वह स्टेशन का हर तरफ से मुआयना करना चाहता है यान में। अब इसकी ड्रिल ओपन करो। यान के अग्र भाग में ड्रिल के साथ चक्र वाले पहिए लगे हैं, जो विशेष रूप से इसलिए बनाए गए थे ताकि यान किसी बेस स्थान में सुराख करके उसमें समा सके।
सर वह हमारा अब स्टेशन एक्स में छेद, स्टेशन एक्स में वह स्टेशन एक्स के पेंदे को काटकर अंदर आ रहा है। ओ माय गॉड, आक्रमण कर दो उस पर, उसे ब्लास्ट कर डालो, उसकी आन पर धातु पिघलाने वाली गनों का आक्रमण करो। सुन 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 चीफ, वह क्या किसी विशेष धातु का बना है जिसकी हमारी किरणें काम नहीं कर रही हैं? विमान में आर पार निकाल दो चाटा, अब इस ड्रिल से हम इसकी दीवारों में सैकड़ों छेद कर डालेंगे। यान के ड्रिल द्वारा स्टेशन की छत में छेद। जूम सर सर जूम, धड़ाम धड़ाम धड़ाम, आग लगा दो पूरे स्टेशन में। जूम, ओह अब स्टेशन एक समाप्त होने को है। सुन सुन, चलो अब हमारा काम हो गया, और यह अब अमेरिका को भी एहसास नहीं करेगा कि जम्बू से लोहा लिया जाए। बड़ाम बड़ाम, सारा अंतरिक्ष स्टेशन एक्स के तबाह होते ही दहल उठा, इसके टुकड़े हजारों मील तक दूर जाएंगे। बड़ाम, और अंतरिक्ष में तैरते हुए जम्बू का इतिहास दोहराते रहेंगे। विमान अपनी दिशा में बढ़ चला, आपको इतने खतरनाक मूड में मैंने पहली बार देखा। जब तुम पृथ्वी पर पहुंचोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि अमेरिका क्या चीज़ है। यह देश अपनी हर देश में अपनी दादागिरी दिखाता है। हमारा देश मर्यादाओं का देश है। अमेरिका यह कभी नहीं बर्दाश्त करता कि कोई देश विज्ञान में उससे आगे निकल जाए। मैंने यानी डॉक्टर भावा ने इनकी चुनौती स्वीकार करके सुपर कंप्यूटर कबाब जम्बू बनाकर खड़ा कर दिया है, और जम्बू को ख़त्म करने की हज़ार कोशिशें हो चुकी हैं। चलो चांटा, अब हम पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। रॉकेट दबो। जूम सूम, पृथ्वी पर इस समाचार का हंगामा था। जम्बू के साथ दो दूसरे ग्रह के प्राणी भी आ रहे हैं। समाचार नित नए सनसनीखेज समाचार साफ रहे थे। स्टेशन एक्स तबाह, जम्मू के साथ सरकंडा और चाटा। हेलो बंटी, अब हिंद महासागर में हम उतर रहे हैं। विमान उतरा है हिंद महासागर में। कड़ाप पड़ 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 पड़, सागर के लहरों का तूफान कूट खड़ा हुआ। कुछ समय बाद हमें लेने पानी का जहाज आ गया है। अब हमें तैरते हुए सतह पर पहुंचना है। यान को समुद्र तट में गाड़ दो चाटा। अब यह यान इसी जगह पर रहेगा। अब चलो दोहरे परत वाली द्वार खोलो, अब हम पानी में ऊपर की तरफ उछाल लेंगे। तीनों यान से निकलकर पानी की सतह पर आ गया, वो रहा जहाज। जूम सूम फू, इंडिया। तीनों जहाज के डेक पर आ गए। आप सबका स्वागत है, मुझे कप्तान डिसूजा कहते हैं। बंदरगाह पर भारी जनसमूह आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। सरकंडा, यह है पृथ्वी जहाँ बीमारों की तादाद बहुत बढ़ चुकी है। तुम्हारी संजीवनी नया जीवन प्रदान करेगी। हाँ, अरे मूर्ख जम्बू, मैं एक बूंद भी अमृत नहीं देने वाला। मैं सिर्फ काबू के इतिहास घर में विवश था, जहाँ से मैं नहीं निकल सकता था। मैं सामरा के अलावा किसी ग्रह का रास्ता नहीं जानता था, और मैं इंतज़ार कर रहा था कि तू मुझे किसी ग्रह पर उतारे। यहाँ तक मैंने पहुँचने में तेरा साथ दिया, क्योंकि मैं शुरुआत उसी जगह से करना चाहता था जहाँ की तू पैदावार है। अब देख, इस पृथ्वी के रोगियों का कैसा इलाज करता हूँ। जब यह पृथ्वी ही नहीं रहेगी तो रोग या रोगी भी नहीं रहेंगे। सलाम, वो गया जहाज का कप्तान। ये गया चांटा सर, और ये गया जम्बू तू भी सर। और अब देख इस जहाज का अंजाम। कड़ाप
कड़ा प्रणाम, मेरे बलवान घूंसे इसे तोड़ फोड़ डालेंगे। ढुसीम तड़ाक तड़ाक पड़ाक, सरकंडा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, कसम बजरंग बली की तुझे काबू के इतिहास घर में हमेशा के लिए बांध के डाल दूंगा। अरे टा 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 टा, जहाज तोड़कर पानी में डुबकी लगा गया। चाटा तुम उसे समुद्र में तलाश करो, मैं तटीय क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था करता हूँ। जम्मू तट पर पहुँचा, यह क्या हुआ? अरे बंटी सुनो बंटी, सरकंडा धोखा देकर भाग गया और उससे पूरी मानव जाति को खतरा पैदा हो सकता है। जम्मू को घेर लिया गया। सरकंडा के नाभि चक्र में क्या सचमुच अमृत है? हाँ, सूचना है कि उसने पूरा जहाज नष्ट कर डाला और भाग गया। उसे काबू में करने का आपके पास क्या योजना है? अगर उसने तबाही मचाई तो उसके जिम्मेदार क्या आप होंगे? क्या आप तबाही रोक सकेंगे? देखिए आप लोग तनिक सब्र करें, मुझे यकीन है कि मैं हालात पर काबू कर लूँगा। तमाम प्रसारण माध्यमों से जनसाधारण को सतर्क कर दिया गया। यह सरकंडा की तस्वीर है, इसे देखिए और जहाँ भी नजर आए इस फोन नंबर पर सूचना दीजिए। रात के अंधेरे में चढ़ 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 राजनगर का समुद्री तट, चप 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 चप। हाँ, यह चार पहियों वाले वाहन इस वीरान समुद्री तट पर क्यों आ रहे हैं? घुर, देखता हूँ क्या मजरा है। वाह, समुद्र की तरफ कुछ सिग्नल दिया जा रहा है। समुद्र में एक जहाज आ रही है। फटाफट माल से वक्त बहुत कम है, इस तरफ गश्त हो रही है। ट्रक लोड हो गया, क्या इसे रवाना कर दें? हाँ, यह रूट 3 से जाएगा। मैं इसकी छत पर लेट जाता हूँ। सरकंडा की वजह से समुद्री तटों पर चौकसी बढ़ी हुई है, जाओ सावधानी से। सरकंडा चुपचाप छत पर लेट गया। किसी की भी आवाज़ सुनने के बाद मैं उसकी भाषा समझ सकता हूँ और तरंगों से दूर की आवाज़ भी सुन सकता हूँ। अरे पुत्र, उसकी नाभि में अमृत है यार। इस मामली के धंधे में रिस्क बहुत है, पकड़े जाने पर लंबी नप जाती है। अगर ये सरकंडा मिल जाए तो मज़ा आ जाए बादशाह। क्यों? अरे पुत्र, उसकी नाभि में अमृत है तो अमृत छक के तो मैं अमर हो जाऊंगा। बचा खुचा तुम लोग भी पी लेना। तुम लोग मेरा अमृत क्या छकोगे? मैं सबको छक कर तुम सबका खून पी जाऊंगा। इस बार सोने की सबसे बड़ी खेप उतारी है उस्मान उस्ताद ने, करोड़ों का माल है। पता नहीं सोना क्या होता है। सरकंडा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, कसम बजरंग बली के तुझे काबू के इतिहास घर में हमेशा के लिए बांध के डाल दूंगा। रे टा 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 टा, जहाज तोड़कर पानी में डुबकी लगा गया। चाटा तुम उसे समुद्र में तलाश करो, मैं तटीय क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था करता हूँ। जम्बू तट पर पहुँचा, यह क्या हुआ? सुनो बंटी, सरकंडा धोखा देकर भाग गया और उससे पूरी मानव जाति को खतरा पैदा हो सकता है। पत्रकारों ने जम्बू को घेर लिया। सरकंडा के नाभि चक्र में क्या सचमुच अमृत है? हाँ, करोड़ों का माल है, पता नहीं सोना क्या होता है, पर पहुंच गया। और इस प्रकार से सरकंडा उसकी गाड़ी में सवार हो जाता है और गाड़ी चल पड़ती है। घर दूसरा ट्रक भी आ गया। कहीं पुलिस तो पीछे नहीं लगी? नहीं उस्ताद,
उस्मान खान साहब, अगर पुलिस लग भी जाती तो हम हारने वाले नहीं थे। समुद्र सीमा पर बड़ी चौकसी है, काम करो, बड़ी होशियारी से होना चाहिए। यह सरकंडा भी पता नहीं क्या बड़ा है, काश हमें मिल जाए तो अरबों रुपया कमाया जा सकता है। सारी जड़ सरकंडा है। अबे हयात, बल्ले बल्ले अमृत तो उसे खोजे उस्ताद। अच्छा, सोने की पेटियां बाहर निकालो, दूसरा माल भी चेक करो। करड़ 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 है। होशियार, ट्रक में कोई है? हाँ, मैं सरकंडा, कहीं पुलिस तो नहीं? ठाक, पकड़ लो इसे, भागने न पाए। आओ आओ, मैं तो आया हूँ रोगियों को ठीक करने। तुम भी कानून तोड़ने वाले रोगी हो ना? ठाक तड़ाक दुशुम, पटाक पटाक। क्यों बे, तू इनका बॉस है? हाँ, तू ही उस्मान है ना? हाँ। सोना किधर है? ये रहा। खड़ाक तड़ाक, सारी पेटियाँ खोलकर मेरे सामने डाल दो। खड़ाक तड़ाक, हाँ, खा के देखता हूँ, यह तो कोई चमकदार धातु मालूम होती, मेरा हाजमा भी ठीक हो जाएगा। तो सरकंडा सोने को देख के खाने के पीछे लग जाता है। किरच किरच, यह तो करोड़ों का सोना खा गया। स्मगलिंग करना जुर्म माना जाता है ना? कानून तोड़ने वाले मरीज, चल मर जा मुर्गा। मगर हजूर, कानून तो यहाँ सब तोड़ते हैं, फर्क इतना है कि कोई बड़ी सजा वाला कानून तोड़ता है, कोई छोटी सजा वाला। हमारे सामरे में तो कानून कोई तोड़ता ही नहीं था, और यहाँ सब तोड़ते हैं। हाँ हुजूर, मैं साबित कर दूंगा। मान लिया एक आदमी पान खाता है, तो पान का पिक पिक दान के अलावा कहीं भी थूकना गैरकानूनी है। करोड़ों लोग तो इस किस्म कानून दिन रात में सैकड़ों बार तोड़ते हैं। इसका मतलब सब रोगी है, कोई कैंसर का रोगी, कोई कानून तोड़ने वाला रोगी। मैं इन रोगियों को ठिकाने लगाया हूँ, काम यहीं से शुरू करो। ठाक, पिचक गया ना? चल बे, उठ, ट्रक चलाता रहा, मैं इसमें सफ़र करूँगा। घुर्र, ओए बादशाह, सरकंडा जी जिधर कहोगे उधर चलूँगा, बस मैंने अमृत चखा देना। यहाँ क्यों रोकी तूने? ओए महाराज, जरा पी खा करके चलेंगे। तुम भी पियोगे? क्या पीना है, सारी पृथ्वी का अमृत है जी। देसी दारू का अड्डा, हट जाओ बे मुंडे हो, सरकंडा जी आ रहे हैं। सरकंडा सरकंडा सरकंडा, भागो। लाबे दारू शारू दी, सारी बोतला निकाल दे, सरकंडा जी आए हैं, भागो भागो। बड़े मुर्दार लोग हैं आप, को देखते ही लोग भाग गए। सरकंडा आओ, तो यह सरकंडा यहाँ पे देसी दारू के ठीके पर आ जाता है। लो जी पियो, पृथ्वी जा अमृत। गट गट गट, गड़ाप गुड़ूप गटाक। अबे ये क्या चीज़ पिला दी मुझे, तो एक एक करके दो दो नज़र आ रहे हैं। टी 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 टी, पुलिस। सरकंडा उस्ताद भागो, पुलिस आ गई है। पुलिस क्यों आई है? यह तो गैर कानूनी शराब खाना है, हफ्ता नहीं दिया होगा इसलिए रेड पड़ गई होगी बादशाह। हफ्ता क्या होता है? और यह भी, तो इस प्रकार से सरकंडा जो है कि उन लोग काफ़ी अच्छा खासा मज़ा चखाता रहता है, और शराब के अड्डे पर बैठ करके वो शराब पीने लगता है। लगने की कोशिश में होता है। अब उसके कि आगे की स्टोरी देखते हैं क्या होता है। सरकंडा उस्ताद भागो, पुलिस आ गई है। और वो उसे पुलिस के बारे में बताते हैं, और गैरकुरी शराब खाने के बारे में बताते हैं। गैर कानूनी धंधे चलाने के लिए पुलिस जो पैसा लेती है उसे हफ्ता कहते हैं। ऐसी की तैसी, यानी कानून की रखवाली करने वाले भी कानून तोड़ते हैं, फिर ये तो सबसे बड़े रोगी हैं। चलो हम देखेंगे पुलिस को। मुझे तुम सब एक एक के दो दो नज़र आ रहे हो, मगर जितने भी नज़र आ रहे हो मैं सबको खलास करूँगा। तड़ाक है, यह तो सरकंडा है, सरकंडा शराब खाने में। ठाक, तो
उन सभी सुरक्षा कर्मियों को सरकंडा पीटने लगता है। सड़ाम, ये देखो तुम्हारी गाड़ियों का हाल। गड़ाम, फायर, रेटा टा टा टा, रेटा टा टा टा, ढूम तड़ाक, रेटा टा टा। तो ये सभी लोग सरकंडा पर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। धाय 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 धाय। अरे फुलझड़ी छोड़ते हो, तड़ाक फड़ाक, वो तो फोर्स बढ़ गई। आ जाओ आज रात तुम्हारे नाम, भड़ाक फड़ाक तड़ाक, सबको मार डालूंगा। सड़ाम तड़ाक, भाग ले पुत्र, सरकंडा को चढ़ गई। यह दो पहिया तो खा ही जाता हूँ, भूख लगी है। किड़िक किड़िक क्रिचर। तो ये सरकंडा इन सारी चीज़ों को तोड़फोड़ करने लगता है और सारी चीज़ों को तोड़ के मटिया मेट कर देता है। और वो बियर शॉप और वाइन शॉप में उन सभी लोगों को मारने पीटने के बाद तोड़फोड़ मचा देता है। आज के बाद कोई दारू नहीं पिएगा, साथ ही साथ वो अनाउंसमेंट कर देता है इस दारूखाने में कोई भी दारू नहीं पिएगा। गुस्से में ट्रक ही उठाकर फेंक दिया सरकंडा ने। वो ड्राइवर कहाँ मर गया तू, तड़ाक। सरकंडा शहर की सड़कों पर तोड़फोड़ करता आगे बढ़ रहा था। तड़ाक ताड़, जो भी वाहन मिलता उसे तोड़ रहा था। करच गरड़ 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 गरड़, बहुत सी इमारतों को गिरा चुका था। सुबह वह रेलवे लाइन पर चल रहा था। मैं अगर इनको सारा अमृत भी छका देता तभी ये रोगी ठीक होने वाला नहीं है। यहाँ तो किस्म किस्म के रोगी रहते हैं। तूफान मेल उसी लाइन पे चल रही थी। धड़ 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 छुक 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 छुक, हर क्षण नज़दीक आती जा रही थी ट्रेन। खटपट खटखट खटपट, टी 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 टी, लगातार सायरन बजा रही थी। है मेरी तरफ दंदनाती आ रही है, शायद जम्बू ने मुझे मारने के लिए यह गाड़ी भेजी होगी। आज अब जरा तुझसे भी दो दो हाथ करने हैं। सरकंडा से टकराते ही ट्रेन इस प्रकार पलट गई जैसे पहाड़ से टकरा गई हो। धड़ाक, हिला के रख दिया मुझे। सरकंडा डब्बे उठा के फेंकने लगा। सड़ाम सरकंडा, बचाओ 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 बचाओ, यात्री जान बचाकर भागने लगे। ट्रेन नष्ट करने के बाद सरकंडा शहरी आबादी से बाहर की तरफ चल पड़ा। आर्मी कंट्रोल रूम में अब सरकंडा शहरी आबादी से बाहर है, हम उस पर हवाई हमला कर सकते हैं। ब्रिगेडियर महावीर ने आदेश दे दिया। सू 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 सू, हेलो एयर कंट्रोल, सरकंडा पर हवाई हमला कर दिया जाए। गर्र धुर्र तड़ 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 तड़, बड़ाम बड़ाम, मुझ पर बम बरसा रहे हैं, अभी मजा चखाता हूँ। बड़ाम बड़ाम, हेलो कंट्रोल, सरकंडा तो उड़ रहा है। सू विमान की गति के साथ उड़ रहा है। पकड़ लिया एक को, हा 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 हा, इसके तो टुकड़े बिखर गए, अब दूसरों को देखता हूँ। कड़ाक तड़ 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 तड़, बड़ाम बड़ाम बड़ाम, अब खबर लेता हूँ। घुर्र, तो इस प्रकार से सरकंडा तबाही मचा देता है, उनकी प्लेन्स को तोड़ने फोड़ने लगता है और सारी विमानों को नष्ट कर देता है। इस विध्वंस की खबर मिलते ही जम्बू राजनगर की तरफ चल पड़ता है। घुर्र, मेरा मैसेज नोट करो, सरकंडा पर बारूदी हमले का कोई प्रभाव नहीं होगा, वह अभी मेरी तरह शक्तिशाली है और उसे जिंदा रहने के लिए मैं स्वयं उसे निपटूंगा। सरकंडा ने चार यान तोड़ डाले, बाकी भाग गए, अब नीचे उतरता हूँ। सरकंडा एक जंगल में दाखिल हुआ, अब इस जंगल में कुछ देर आराम कर लेता हूँ। जम्बू आर्मी कंट्रोल रूम में पहुँच गया, मुझे ताज़ा स्थिति की जानकारी दी जाए। मैं ब्रिगेडियर महावीर हूँ सर, सरकंडा से निपटने का चार्ज मेरे पास है। मैंने सरकंडा के शरीर पर गहन स्टडी की है, वह एक अमर शक्ति है। जब साम्राज्य पूरी तरह टूट गया तब कहीं सरकंडा के टुकड़े टुकड़े हुए थे, इसलिए बमों का उस पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन सरकंडा को अग्नि से जीता जा सकता है, जिस जंगल में वह छिपा है उसके चारों तरफ पेट्रोल छिड़ककर आग लगानी होगी। हेलीकॉप्टर ने पेट्रोल छिड़कना शुरू कर दिया जंगल में।
अब मैं जंगल में दाखिल हो रहा हूँ, तुम आग लगा देना। जंबू जंगल में प्रविष्ट हो गया, उसकी कर्ण शक्ति भी बहुत तीव्र है, मेरी आवाज़ दूर से भी सुन लेगा। जंगल के चारों तरफ आग लगा दी, फक फक फक। सरकंडा में जंबू हूँ, तूने बहुत विध्वंस कर डाला, इसलिए मैं तुझे मौत की सजा देने आया हूँ। चारों तरफ आग लग चुकी है, हमारे विमान अब तुम पर गोले या गोलियां नहीं दागेंगे। पेट्रोल बमों का हमला होगा तुझ पर, जो सिर्फ आग लगाते हैं, और इस बार तो अगर शरीर की नाभि में आग लगाना तो तेरा अमृत जल जाएगा और तू हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ओह, इन्होंने तो सचमुच जंगल में आग लगा दी। जम्बू ने मेरे किस्म की यह कमजोरी जान ली होगी, मगर मैं आग बुझाना भी जानता हूँ। मैं पानी में कूद जाऊँगा। मैं तुझे अंतिम चेतावनी देता हूँ, अगर तूने अपने आप को मेरे हवाले नहीं किया तो जलाकर राख कर दूंगा। आग तो बढ़ती जा रही है, ऊपर आग बरसाने वाले विमान उड़ रहा है। सरकंडा जंबू के सामने आ गया। सरकंडा, मैंने तुझे जोड़कर बनाया और तूने यह बदला लिया, उसका यह बदला लिया। मैं कह चुका हूँ कि जैसे साम्रा ग्रह तबाह हुआ, उसी तरह सब ग्रहों को तबाह करूँगा। क्या तू मेरा साम्रा मुझे दे सकता है? लेकिन अब मैं तुझे अब तबाही नहीं मचाने दूंगा। तेरे साथ इसलिए छेड़छाड़ नहीं करता क्योंकि मैं जानता हूँ तेरे जैसे मैं नहीं मर सकता, वैसे तू भी नहीं मर सकता। लेकिन तुझे आग से मारा जा सकता है। मैं आग को अपनी नाभि तक नहीं पहुँचने दूंगा। जम्बी, कैसे? जवाब यूँ दिया सरकंडा ने, कैसे? ऐसे। जम्बू को ढाल बनाकर उड़ चला। अब कहो इससे कि बरसाए आग के गोले। कंट्रोल रूम, हेलो कंट्रोल। उसने जम्बू को ढाल बना दिया, हमला न किया जाए। जम्बू को लेकर एक समुद्र में गिरा सरकंडा। छपाक, जम्बू ने पानी के अंदर ही सरकंडा पर आक्रमण कर दिया। सर, तेरे सिर की प्लेटें मुझ पर क्या असर करेंगी? मैं इन्हें खा जाऊंगा। करड़ करड़ करड़। चला जा सामने से, नहीं तो मैं तुझे भी खा सकता हूँ। ठाक भीष्म, फड़ाक कड़क। मेरे दांत तोड़ने से कुछ नहीं होगा, दूसरे दांत आ जाएंगे। मैं तेरे खाने वाले दांत ही तोड़ डालता हूँ। एक बात का पता और चला, इसके शरीर के भीतरी हिस्सों पर आसानी से वार हो सकता है, जैसे कि इसके दांत टूट गए। अब देख मेरा असली रूप। है क्यों तो अपना आकार बढ़ा रहा है, और अब मैं तुझे अपनी आंतरिक शक्ति दिखाता हूँ। मेरा शरीर इस सागर का पानी सोख कर मुँह से निकालेगा। सरकंडा का शरीर पानी सोखने लगा, और यह जो झरना मेरे मुँह से फूटेगा वह पूरे शहर को डुबो डालेगा। फू, राजनगर में मूसलाधार पानी बरसने लगा। इस तरह मैं साम्रा में जा चाह जितना पानी बरसाया करता था। चाटा भी सरकंडा को खोजता आ गया। चाटा, तू इनके मुंह में घुस जा और जहाँ से पानी का स्रोत निकल रहा है उसे बंद कर दे। फुहार बरसात बन गई। राजनगर में बरसती निरंतर पानी से सड़कें भरने लगी, इमारतें डूबने लगी, टेलीफोन और बिजली के पोल ढह गए। चाटा सरकंडा के मुंह में समा गया। सर, जय बजरंग बली की। मूर्ख चाटा, अब तू मेरे पेट से बाहर नहीं निकल सकता। पटाक है, इसने तो मेरी आंखें फोड़ डाली। देवता इसके सारे शरीर से अंदर पानी के सोते बह रहे हैं, जिन्हें रोकना संभव न था। मैंने उसकी आँख को तोड़ देना उचित समझा ताकि वह अंधा हो जाए। नई आँख निकलने में कुछ समय लगेगा। सरकंडा सागर का आधा जल सोख चुका था। हेलो सरकंडा को अब कुछ नज़र नहीं आ रहा, उसके ऊपर हेलीकॉप्टरों की जंजीरें फेंको। उसने पानी फेंकना बंद नहीं किया, उसे हेलीकॉप्टरों से द्वारा सागर से उठा लो। सड़ 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 सर, कड़ाक तड़ाक। हा।
आ गई मेरी दूसरी आँख, अब मैं आकार बढ़ा दूंगा। बाप रे, यह तो पूरा पहाड़ बन गया। जंबू सूखते सागर में दौड़ पड़ा। देवता उनके सारे शरीर से पानी के स्रोते बह रहे हैं, जिससे जिन्हें रोकना संभव न था। मैंने उसकी आँख तोड़ देना उचित समझा ताकि वह अंधा हो जाए। उसे हेलीकॉप्टर द्वारा सागर से उठा लो। सड़ 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 सर तड़ाक तड़ाक कड़ा हा 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 हा। आ गई मेरी दूसरी आँख और अब मैं आकार बढ़ा दूंगा। बाप रे, यह तो पूरा पहाड़ बन गया। जंबू सूखते सागर में दौड़ पड़ा। एक ज़बरदस्त आइडिया है। राजनगर में समुद्र में बिछी पाइपलाइन, उसमें से सागर से निकलने वाला तेल बहता है। राजनगर में त्राही त्राही मच गई, पूरा शहर पानी में डूब गया। पाइपलाइन काटता हूँ ट्र, इस तरह चारों ओर समुद्रों से बरसात करूँगा और सब डूब जाएंगे। इस पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा। पाइपलाइन कटते ही तेल पानी में बहने लगा। अब आग का प्रचंड रूप देख सरकंडा। सरकंडा ने जैसे ही तेल को सोखना शुरू किया, आग आग तेरे जिस्म में खुद जा रही हो, तूने अपनी मौत खुद बुला ली है। हैं आग, मेरे शरीर अंदर से जल रहा है। पहाड़ जैसे सरकंडा का शरीर आग लगते ही छोटा हो गया, फट गया सरकंडा का शरीर। ब्राम, जलता सरकंडा का सर एक पहाड़ की चोटी पर कटकर गिरा। जलते हुए हाथ पर हवा में उड़ गए। सरकंडा के ख़त्म होने पर मेरी उम्मीदें भी समाप्त हो गई। मैं कैंसर के रोगियों को नहीं बचा पाया, इसका मुझे सख्त अफसोस रहेगा। बंटी, हमने बड़ी मेहनत से इसे बनाया था देवता, अगर वह कुछ घंटे और जीवित रहता तो बड़ी तबाही मचा डालता। चाटा, तुम वापस काबू के इतिहास घर में चले जाओ। विमान द्वारा वापस काबू के इतिहास में चले जाओ, क्योंकि तुम वहाँ के रक्षक हो और आप। मैं कुछ दिन पृथ्वी पर रहूँगा, हो सकता है कि सरकंडा का अंग कटने पर वह मरा न हो। अगर मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ी तो ट्रांसमिट सिस्टम से बुला लूँगा। चाटा उड़ चला काबू की ओर। तुलसी कॉमिक्स का अगला तहलका जंबू और सूरमा। तो गाइस, ये स्टोरी आपको कैसी लगी, ये कॉमिक्स बुक्स आपको कैसी लगी, आपने कमेंट ज़रूर करिएगा। और जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों, भूलिएगा मत। इसी तरह से मैं आपके एंटरटेनमेंट करता रहूँगा। हाँ दोस्तों, कभी कभी मैं दूसरे टॉपिक्स पर भी वीडियो बनाता हूँ, तो वो भी मेरे इंटरेस्ट पे ही होते रहते हैं। उम्मीद है कि आप लोग इसी तरह से मुझे कोऑपरेट करते रहेंगे और इसी तरह से मैं आपका एंटरटेनमेंट करता रहूँगा दोस्तों। आपने कमेंट सेक्शन में और भी कमेंट करके बताइएगा कि किन किन चीज़ों पर मैं वीडियो बनाऊँ, आपसे मैं फीडबैक लेना चाहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।